हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरा का तड़का। आज हम बना रहे हैं छोले टिक्की चाट, जो एक स्ट्रीट फूड डिश है और बहुत ही टेस्टी है। चाट बनाने के लिए हमें आलू और छोले को बॉईल करके रखना है, और जो हम छोले बनाने वाले हैं ना, तो उसकी ग्रेवी बनानी है स्वीट स्टाइल में, तो उसकी एक पेस्ट की तैयारी करनी है। छोले को मैंने नमक डाल के बॉईल करके रखा है, अब हम इसकी पेस्ट की तैयारी करते हैं। छोले टिक्की चाट बनाने के लिए हमें छोले चाहिए, जिसे हमें रात भर भिगाना है और नमक डाल के उसे प्रेशर कुक करना है। छोले की ग्रेवी के लिए हमें एक ग्रीन पेस्ट रेडी करनी है, उसके लिए एक कप फुदीना, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 लहसुन के क्लोव्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 4 से 5 ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 1 टेबलस्पून इमली, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें मिक्सी जार में उसे एक पेस्ट फॉर्म करना है। ग्रीन पेस्ट अपनी रेडी हो चुकी है। चाट मसाला बनाने के लिए 2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 2 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून सौंफ ये सबको हमें तवे पे ड्राई रोस्ट करना है और इसे ग्राइंडर में एक पाउडर फॉर्म करना है। चाट मसाला रेडी हो चुका है। छोले बनाते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करते हैं और 2 बे लीव्स और 1 ब्लैक कार्डमम, उसे सॉटे करते हैं। और जो ग्रीन पेस्ट हमने रेडी किया है वो डाल के भी अच्छी तरह से सॉटे करते हैं। पानी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हैं। बॉईल किए हुए छोले चने भी ऐड करते हैं। लैडल की मदद से थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, उसे क्रश करते हैं, उसे अच्छी तरह से बॉईल करते हैं। 1 टेबलस्पून जेगरी ऐड करते हैं। छोले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो चुकी है। छोले टिक्की के लिए छोले रेडी हो चुके हैं, और जो हम चाट बनाएंगे उसके लिए चाट मसाला स्प्रिंकल करने के लिए वो भी रेडी हो चुका है। छोले की ग्रेवी के लिए जो हमने ग्रेवी पेस्ट रेडी की थी, उसमें हमने तीखा और खट्टा दोनों बैलेंस किया था। और जब छोले बॉईल हो रहे थे तो हमने 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड किया था, तो तीखा, खट्टा और मीठा सब बैलेंस हो चुका है, तो एक्स्ट्रा चटनी देने के लिए जरूरत नहीं है। चलो आलू की टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। टिक्की की तैयारी करते हैं। पहले हम आलू लेते हैं, उसे मैश करते हैं और स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसका एक डो रेडी करते हैं। राउंड शेप देके टिक्की फॉर्म करते हैं। अब हम एक तवा लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करते हैं। जैसे ही घी गर्म होता है उसमें हम टिक्की को डालते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है। अगर रिक्वायरमेंट लगी तो और आप घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। टिक्की दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक चुकी है। परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल छोले टिक्की अपनी रेडी हो चुकी है। एक बार से जरूर से ट्राई करना। इतनी अच्छी अरोमा आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। छोले और टिक्की को असेंबल करते हैं और चाट अपनी रेडी हो चुकी है।
ऐसी ही रेसिपी सीखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।